हे गाइस, दिस इज आरती एंड यू आर वेलकम टू लर्न लाइवली। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी की मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी जो कि है ओट्स से रिलेटेड, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, ओट्स क्या है? हम में से कई लोगों को नहीं पता होता कि ओट्स किस चीज़ का बना होता है। तो दोस्तों, ओट्स जो है वो जौ से बनता है। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए ब्रेकफास्ट में ओट्स खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे हमारा पेट भर जाता है, जल्दी भूख नहीं लगती है और पर्याप्त एनर्जी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं तो ओट्स आपके लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, साथ ही वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है, स्किन हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जो ओट्स की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे मैं बनाने वाली हूँ बिना एक बूंद तेल का इस्तेमाल किए। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही जल्दी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इतना ही नहीं, ओट्स में बीटा ग्लूकोन नाम का फाइबर पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है एंड हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। तो आइए फटाफट हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ओट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे पैन को रख देते हैं और हमें सबसे पहले इस पैन में ऐड करना है पूरे एक बड़ा कप पानी। ये 240 ml वाटर है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, करीब 4-5 बड़े चम्मच। पानी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। तो दोस्तों, पानी गर्म होने के बाद हमें इसमें ऐड करनी है अपनी मनपसंद सब्जियाँ। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें है प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली है आधी, मतलब कि ये 2 बड़े चम्मच प्याज है कटी हुई। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गाजर, 1 बड़ा चम्मच फ्रेंच बीन्स और ये है 2 बड़े चम्मच मटर, ये फ्रोज़न मटर है। तो अब हमें इन सबको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करते वक्त हमें इसमें नमक ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं रॉक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास रॉक सॉल्ट नहीं है तो आप उसे बाय कर लें, आपके वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा ये। तो गाइस, सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे कवर कर देना है 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट तक आप इसको अच्छे से बॉईल होने दें। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, मैं कवर को हटा रही हूँ। ध्यान रखें कि आपको सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च अगर आपको पसंद है तो। यहाँ करीब 1/2 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक है और 2 हरी मिर्च, और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच कटा हुआ कैप्सिकम। ये भी मैंने बारीक ही कट किया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। साथ में हमें इसमें ऐड करना है करीब 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, मतलब कि क्रश की हुई मैंने यहाँ पे ली है। इनको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो गाइस, गैस की फ्लेम को लो करना है। लो फ्लेम करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है ओट्स। तो यहाँ पे जो मैं ओट्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो है रोल्ड ओट्स। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप ओट वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो रोल्ड ओट का इस्तेमाल करें, बिकॉज इट कीप्स यू फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रहने देना है। और अब मैं इसमें कर रही हूँ 1/2 टमाटर, ये बड़ा टमाटर था इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और इसको आपको लो फ्लेम पर ही इस तरह से कवर करके 5 मिनट के लिए रख देना है। तो गैस, 5 मिनट हो गए, आइए इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे ओट्स बनकर तैयार है। इसका पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, हमारी सब्जियां भी बहुत ही बढ़िया पकी हैं, बिल्कुल ओवर कुक नहीं हुई हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करना है हरी धनिया, अगर आपके पास है तो थोड़ी सी बचा लीजिए गार्निशिंग के लिए। अच्छे से मिक्स कीजिए, गैस की फ्लेम को बंद कीजिए और आपका ओट्स तैयार है बिल्कुल बढ़िया खाने के लिए। तो गाइस, प्रोटीन, फाइबर और भी अच्छे अच्छे पोषक तत्वों से भरी हमारी ये ओट्स की हेल्दी सी वेट लॉस रेसिपी बनकर तैयार है। तो दोस्तों, जो आप बाज़ार से ओट्स लाते हैं ना, बने बनाए मसाला ओट्स, वो इतने हेल्दी नहीं होंगे जितनी कि ये हेल्दी है। इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल भी मसाले नहीं डाले और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए वो सभी बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं फैट लॉस के लिए और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और फॉर बेटर रिजल्ट, अगर आपको वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो आप इसमें नींबू का रस निचोड़कर सर्व करें, आपकी जो ये ओट्स रेसिपी है और भी ज़्यादा इफेक्टिव हेल्दी हो जाएगी। तो गाइस, मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा।